देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर टेन ये कहता है कि सबसे छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालो दैट इज डिविजिबल बाय ऑल थ्री दीज थ्री नंबर्स ठीक है तो मुझे ऐसा नंबर जो तीनों से डिविजिबल हो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा एलसीएम निकालना पड़ेगा तीनों का ठीक है टू से कर लो टू फोर ज़ा एट पंद्रह टू वन जा टू ज़ीरो ठीक है टू टू ज़ा फोर पंद्रह एज इट इज आएगा टू फाइव जा टेन फिर से कर लो टू वन ज़ा टू फिफ्टीन एज इट इज फाइव एज इट इज जब भी पूछा जाए ना किसी तीनों नंबर से कौन सा डिविजिबल तो हमेशा जो है एल ही लेना फाइव से कर लो फाइव थ्री आर फिफ्टीन फाइव एज इट इज थ्री से कर लो चलो तो देखो बेटा एल कितना आया जरा एल देखते हैं इन तीनों का टू इंटू टू इन टू इंटू फाइव इंटू थ्री ठीक है ये तुम्हारा एल आया इसको जरा मल्टीप्लाई करो देखो कितना आ रहा है ये आ रहा है तुम्हारे पास <coughs> टू फाइव ज टेन इंटू थ्री थर्टी इंटू टू सिक्सटी टू वन ट्वेंटी ठीक है तो मल्टीप्लाई करने पर वन ट्वेंटी आ रहा है लेकिन अभी देखो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्यों नहीं है परफेक्ट भाई क्योंकि देखो हमने देखा यहाँ तो पैर है यहाँ नहीं है पैर यहाँ नहीं है ये तीनों खाली हैं तो अगर हम ऐसा कर दें बेटा यहाँ पे दो मल्टीप्लाई कर दूँ यहाँ पर पाँच मल्टीप्लाई कर दूँ और यहाँ पर एक तीन भी मल्टीप्लाई कर दूँ तो देखो अब तो सबके पैर बन गए है ना क्या क्या मल्टीप्लाई करा तो देखो ये 120 था मैंने इधर अगर दो मल्टीप्लाई करा तो उधर भी दो मल्टीप्लाई करना है कि नहीं इधर पाँच करा तो उधर भी पाँच करना है इधर तीन करा तो उधर भी तीन करना है कि नहीं अब तो देखो ये परफेक्ट स्क्वायर है लेकिन ये तुम्हारा ऐसे नहीं लिखोगे क्यों क्योंकि हमारे पास ये भी नहीं था ये भी नहीं था ये भी नहीं था ये तो हमने एक्स्ट्रा अभी लगाया ना है कि नहीं बस तुम्हारे समझने के लिए मैंने लगाया है ठीक है तो तुम यहाँ कह दोगे कि स्मॉलेस्ट स्क्वेयर नंबर इज इक्वल टू 120 ट्वेंटी इंटू टू इंटू फाइव इंटू थ्री मल्टीप्लाई करो जरा ये हो जाएगा तुम्हारे पास थ्री सिक्स डबल जीरो किसका स्क्वायर होता है ये होता है सिक्सटी का स्क्वायर है ना तो ये आपका आंसर आ जाएगा कि सबसे छोटा स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल थ्री इज थ्री सिक्स डबल ज़ीरो ठीक है बच्चों वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना एक लाइक करना थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सोल्यूशंस